So, कैसे हैं भाई लोग, आज हम फिर से एक नई वीडियो के साथ और आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं फिर से अमेजिंग बीट्स। So, let's get into it. वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय कैप्टन प्लगइन्स। कैप्टन प्लगइन्स का एक बंडल है, उसमें 5 प्लगइन्स है हमारे पास, कैप्टन कॉर्ड्स, कैप्टन प्ले, कैप्टन डीप, कैप्टन मेलोडी एंड कैप्टन बीट। ओके, हम कॉर्ड्स से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कैप्टन कॉर्ड्स को खोल लेते हैं। तो जब आप प्लगइन खोलोगे कैप्टन कॉर्ड्स, सो कुछ इस टाइप का खुलेगा। यहाँ से आपको स्केल देखना है कि कौन सा स्केल है, कौन से स्केल में आपको म्यूजिक बनाना है। सो क्या आप फील कर रहे हो, आप कैसा सा। सो आज हम ई माइनर में देखते हैं, कुछ बनाते हैं। सो कुछ इस टाइप की प्लगइन है। सबसे पहले टेम्पो सेलेक्ट कर लेते हैं हम, थोड़ा फास्ट, आज 160-170 ऐसे बनाते हैं। सो आप ऐड पे क्लिक करोगे, सो यहाँ से कॉर्ड्स बनते रहेंगे आगे को। सो हमने 4 कॉर्ड ऐड कर लिए एंड अब हम इसकी वॉइसिंग को चेंज कर सकते हैं यहाँ से कुछ भी। जैसे ई माइनर में हमारे पास ई माइनर 7 सेकेंड कॉर्ड हमारे पास। सो ये हमारे पास, इसके अंदर ऊपर हमको कॉर्ड्स दिखेंगे कि स्केल में कौन कौन से कॉर्ड्स हैं, फिर उसी कॉर्ड के नीचे कि उसके एक्सटेंडेड कॉर्ड्स कौन कौन से हैं और कौन से कॉर्ड्स यूज़ कर सकते हैं उसके अंदर। सो जैसे सेकेंड कॉर्ड सपोज दैट हम ले लेते हैं सी मेजर। ओके, सो इसमें आप कोई भी नोट कहीं भी अगर आप शिफ्ट करते हो, सो सब स्केल में, क्योंकि जितने भी नोट्स आप कहीं भी अराउंड शिफ्ट करते हो सारे ई माइनर स्केल के अंदर ही आ रहे हैं। सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अगर आपने म्यूजिक थ्योरी नहीं भी इतनी अच्छी है देन ऑल्सो आपकी कहीं भी मिस्टेक नहीं होगी। सपोज दैट कि मैं इस नोट को यहाँ रखता हूँ, कॉर्ड अच्छा ही साउंड करेगा क्योंकि वो हमेशा स्केल में हमारा नोट साउंड कर रहा है। थर्ड हम लेते हैं ए माइनर। ओके, सो लास्ट में अगर हम बी माइनर 7th रखते हैं। ओके, सो हमारा मतलब म्यूजिक थ्योरी नहीं भी आती देन ऑल्सो आप बहुत अच्छे कॉर्ड प्रोग्रेशन बना सकते हो। सो ये बहुत ही, इसमें हमारे पास 7th कॉर्ड्स भी हैं, 7th 9th है ना। सो आप ईजी टू यूज प्लग इन है। ओके, सो इसके अंदर पूरी बैंक है, इसके अंदर आप अलग अलग जॉनर्स के हिसाब से अपने कॉर्ड प्रोग्रेशन यूज कर सकते हो। सो हम आज यही यूज करेंगे जो हमने अभी बनाया है। ओके, सो इसमें आप इसकी मिडी भी निकाल सकते हो अगर आपको कोई और साउंड चाहिए, अदरवाइज आप इसको सिंपली ऐसा एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो हम एक बारी मिडी निकाल लेते हैं, कुछ और साउंड यूज करेंगे हम। सो यूं कुछ क्लिक्स में ही हमारे पास बहुत अच्छा कॉर्ड प्रोग्रेशन आ चुका है। ओके, सो उसके बाद हमको अगर टॉप मेलोडी चाहिए इसी प्रोग्रेशन में, सो हम कैप्टन मेलोडी को ओपन करेंगे। सो अब आपको कुछ भी अगले कैप्टन के प्लगइन्स खोलोगे, सो उसमें बेसिकली आपका सेम ही स्केल में वो अपने आप वर्क करेगी। अगर मैं प्लस पे दबाता हूँ तो हम इसको कुछ एम्बियंट सा बना सकते हैं इस चीज को। ओके, सो जो ये नोट है, सो ये बड़ा सही लग रहा है। वेट, हम इसको रेंडर कर लेते हैं। सो मैंने थोड़ा सा रिदम प्लक्स के अंदर डाला है, थोड़ा सा चेंज करा है, वेरिएशन करा है हमारी मिडी में। कॉन्टैक्ट की प्लगइन से गिटार लिया है। आई थिंक अब हमें बेस लाइन ऐड करनी चाहिए एंड उसके लिए आज हम यूज करेंगे कॉन्टैक्ट कैप्टन डीप। सो ये हमारा, ये भी हमारी बाकी प्लगइन्स के साथ लिंक है। आप देखोगे बैकग्राउंड में कॉर्ड प्रोग्रेशन आ चुका है हमारा। सो एक ऑक्टेव डाउन करें,
सो हम इसको एक्सपोर्ट ही कर लेते हैं कि साउंड अच्छी बहुत है। हम कुछ पैटर्न भी देख लेते हैं। गुड फॉर 140 देखें क्या। कैसे ये हमको ये बेस लाइन भी अच्छी मिल गई। हम इसको अगर इनको नोट्स को एक पे नीचे लेके चले इसको अगर हम एक लास्ट में नोट और ऐड करें तो ये भी अच्छा है। इसको भी एक्सपोर्ट कर लेते हैं। दो टाइप के बेस आ चुके हैं। हम थोड़ा सा अरेंजमेंट कर लेते हैं। सो जो रीस बेस है हमारे पास और जो दूसरा बेस है उसे हम आगे यूज करेंगे। सो हमारे पास अभी ये लेयर्स हैं। सबसे पहले ड्रम्स काट देते हैं यहाँ पे हम। सो इंट्रो में हम गिटार को ऐसा फेड इन सा देंगे। ओके सो इसकी हम ऑटोमेशन बना लेते हैं यहाँ पे। ओके सो हमारा जो गिटार है उसको हम बहुत धीरे धीरे ओपन करते हैं। सो जो गिटार है उसको हम हुक पार्ट पे आके ही ओपन करेंगे प्रॉपर। सो हमारी फाउंडेशन बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया हमारा ट्रैक जा रहा है अभी तक। सो हमको हुक के ऊपर थोड़े से हाई हैट्स भी चाहिए एंड थोड़ा सा और स्टफ। एंड इस जगह पे आके कुछ मेरे को पैड्स, आई थिंक वो जूनो पैड्स नहीं होते बड़े बड़े से, वो आई थिंक होने चाहिए इस जगह पे। सो टॉप मेलोडी के लिए हम कुछ भयंकर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। सो मेरे पास ये मेलोडी पियानिका है। सो लेट्स ट्राई दिस कि अगर हम इससे कुछ अच्छा बना सकें। सो आई थिंक इतना एनफ है हमारे ट्रैक के लिए, काफ़ी कुछ है। बट अगर हमारे पास लिरिक्स हों, वोकल्स हों, सम और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, हटा सकते हैं। बट अभी के लिए आई थिंक इतना डिसेंट है। सो प्रीव्यू एंजॉय करिए आप। KP on the beat.